क्लोज आर्मेचर वाइंडिंग भी दो तरह की होती है, सिंगल और डबल लेयर। सिंगल और डबल लेयर किस बात पे एक दूसरे से अलग अलग हैं? तो उसका जवाब ये है कि अगर वाइंडिंग इस तरह से स्लॉट्स में लगाई जाए, कॉयल इस तरह से स्लॉट्स में लगाया जाए, प्लेस किया जाए कि एक स्लॉट में एक ही कॉयल साइड आए, जैसे यहाँ पर ये एक कॉयल साइड है, ये एक कॉयल साइड है, तो इसको कहते हैं सिंगल लेयर। या इस तरह से वाइंडिंग या कंडक्टर्स स्लॉट्स में लगाए जाएं कि एक स्लॉट में या दो कॉइल साइड आए, या फोर आए, या सिक्स आए, या एट आए, यानी इवन नंबर ऑफ कॉइल साइड्स अगर एक स्लॉट में आ रही हैं तो उसको डबल लेयर क्लोज्ड आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। जैसे इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं दो कॉइल साइड्स हैं एक स्लॉट में, यहाँ पर चार है लेकिन लेयर कितनी है? दो। अगर छः होता कॉइल साइड, अगर हमें छः लगानी होती तो 1 2 3, 1 2 3 इस तरह से हम लगाते हैं, ठीक है। तो लेयर हमें दो ही रखनी है, तो या तो दो होंगी कॉइल साइड्स, या तो चार होंगी, या तो छः होंगी, या तो आठ होंगे। ऊपर वाली जो कॉइल साइड है इसको कहते हैं टॉप कॉइल साइड, और इसको कहते हैं बॉटम। तो जैसे कोई कॉइल है एक टर्न की, तो ये वाली जो है इसको सॉलिड लाइन से बनाया गया है, और जो इसका दूसरा वाला सिरा है उसको डॉट लाइन से दिखाते हैं। तो इसको कहते हैं सॉलिड वाले को टॉप, और ये डॉटेड वाले को कहते हैं बॉटम, ठीक है। हाँ सर बताइए। थ्री लेयर की नहीं हो सकती है, जनरली जो होता है बेटा वो डबल लेयर की ही वाइंडिंग बनाई जाती है, थ्री लेयर की वाइंडिंग नहीं बनाई जाती, ठीक है। जो कम्यूटेटर मशीन्स होती हैं, कम्यूटेटर मशीन्स में डबल लेयर की ही वाइंडिंग बनाई जाती है, थ्री लेयर की वाइंडिंग नहीं बनाई जाती, ठीक। बना तो सकते होंगे लेकिन उसका ज़रूर कोई ना कोई नुकसान होगा, उससे ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा होता होगा, इसीलिए ऐसा नहीं करते, बस और कोई इसका खास वजह नहीं है। ये सारी चीज़ें तब बनाई जाती हैं जब देख लिया जाता है कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है। तो इसी वजह से थ्री लेयर वाइंडिंग नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसका एक और कारण मैं बताता हूँ आपको, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। किसी भी कॉयल के दो साइड्स होते हैं ना, एक होगा ये वाला, एक होगा ये वाला, तो लॉजिक ये है कि एक साइड टॉप में रखेंगे तो दूसरा साइड बॉटम में रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए लेयर दो ही बनती है, क्योंकि किसी भी कॉयल में साइड सिर्फ दो ही होते हैं, तीन साइड्स नहीं होते। अगर तीन साइड्स होते तो तीन लेयर बना देते, लेकिन किसी भी कॉयल में दो ही साइड्स होते हैं, इसी वजह से दो ही लेयर बनती है, तीसरी लेयर नहीं बनती। समझ में आई बात जी? तो ये सारी बातें जो लिखी हुई हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। और जो सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है, जैसा मैं आपको बता ही रहा था, इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर स्मॉल एसी मशीन्स, वेयर एज डबल लेयर वाइंडिंग इज मोर कॉमन अबव 5 किलोवाट मशीन। यानी जो हायर रेटिंग की है, जो हम लोग पढ़ेंगे भी वो 5 किलोवाट या 5 किलोवाट से ऊपर के ही बारे में पढ़ रहे हैं मशीन्स में, और उससे छोटी रेटिंग की जो मशीन्स है वो स्पेशल मशीन्स में आ जाती है, वो हम फिलहाल यहाँ पढ़ नहीं रहे, ठीक है। इसके अलावा एडवांटेज क्या है डबल लेयर वाइंडिंग के, कि इसको आसानी से स्लॉट्स में बांधा जा सकता है ड्यूरिंग रिपेयर्स, और लोअर लीकेज रिएक्टेंस होता है इसमें, इस वजह से बेटर परफॉर्मेंस होती है डबल लेयर वाइंडिंग की, ठीक है। और बेटर ईएमएफ वेव फॉर्म होता है इन केस ऑफ जनरेटर, और ये मोर इकोनॉमिकल होती है। तो जो डीसी मशीन होती है उसमें जनरली जो वाइंडिंग होती है वो डबल लेयर क्लोज्ड वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई? बहुत ज़्यादा नोट करने के लिए चीज़ें परेशान मत हो बहुत ज़्यादा नोट करने के लिए चीज़ें परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं शेयर कर दूंगा इसे, ठीक है।
बेटा डबल लेयर का मतलब यह है कि एक स्लॉट में दो या चार या छह या आठ कॉइल साइट्स अगर आती हैं तो उसको डबल लेयर बाइंडिंग कहते हैं। जैसे इस वाले डायग्राम में दो कॉइल साइट्स हैं, एक टॉप एक बॉटम, ठीक। यहाँ पर क्या है, चार कॉइल साइट्स हैं, टॉप बॉटम टॉप बॉटम, ये टॉप ये बॉटम, ये टॉप ये बॉटम। तो अदर देन दिस यानी कि अगर एक स्लॉट में एक से ज़्यादा कॉइल साइड है तो उसको डबल लेयर कहते हैं। और एक से ज़्यादा होने का मतलब ऐसा नहीं कि तीन हो जाएगी, एक से ज़्यादा होने का मतलब यह है कि दो होगी, चार होगी, छः होगी, आठ होगी, ठीक है, इवन नंबर होगा हमेशा। अच्छा, चलिए, मतलब डीसी मशीन आप पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप हमेशा डबल लेयर वाइंडिंग की बात करेंगे, ठीक है। डबल लेयर होगी, क्लोज्ड वाइंडिंग होगी, ठीक। तो हम लोग अब आगे जो भी पढ़ेंगे वो सारी टर्मिनोलॉजी क्लोज्ड डबल लेयर आर्मेचर वाइंडिंग के लिए पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? अब जब आप वाइंडिंग डिज़ाइन में जाएंगे तो बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म एक बार बार आएगा, पोल पिच। पिछली क्लास में इसका मैंने आपसे जिक्र किया था, तो डेफिनेशन मैंने लिखवाई नहीं थी, सिर्फ बोल दी थी, समझा दी थी। तो डेफिनेशन इसकी यह है, द टर्म पिच इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर मैथड ऑफ मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ कॉइल साइड्स, टीथ एक्सेट्रा। मतलब ये कॉइल साइड के टर्म्स में भी मेजर किया जा सकता है, टीथ के टर्म्स में भी मेजर किया जा सकता है। टीथ को आप स्लॉट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अ पोल पिच इज डिफाइंड एज द पेरिफेरल डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑन टू एडजेसेंट पोल्स। जैसे ये दो एडजेसेंट पोल्स हैं, इन पे एक आइडेंटिकल पॉइंट ये है, एक आइडेंटिकल पॉइंट ये है। इस आइडेंटिकल पॉइंट की पेरिफेरल डिस्टेंस को पोल पिच कहते हैं और ये 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है, ठीक है। और इसको मेजर करने के इसके अलावा भी तरीके हैं कि आप इलेक्ट्रिकल डिग्री में अगर नहीं मेजर कर रहे हैं तो इसके अलावा कन्वीनियंट मेथड होते हैं कॉइल साइड्स के टर्म्स में और स्लॉट के टर्म्स में। ये अभी कुछ देर में धीरे धीरे एग्जाम्पल्स आते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि हम पोल पिच को नंबर ऑफ स्लॉट्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई पोल पिच की, कि दो कंसेक्यूटिव पोल्स के बीच में एक दोनों पे एक एक आइडेंटिकल पॉइंट्स ले लीजिए, उन आइडेंटिकल पॉइंट से जो पेरिफेरल डिस्टेंस होगी वो पोल पिच होगी और ये हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है अगर आप इलेक्ट्रिकल डिग्री के टर्म्स में पोल पिच मेजर कर रहे हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता कि चार पोल है मशीन में कि छः है कि आठ है। चार पोल होगा तब भी 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा, छः होगा तो भी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, आठ होगा तो तब भी 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री पोल पिच हमेशा होगी, ठीक है। नंबर ऑफ स्लॉट्स के टर्म में ये नंबर बदल सकता है और वो अभी आप जैसे जैसे न्यूमेरिकल देखेंगे तो समझेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिग्री के टर्म्स में हमेशा कांस्टेंट होगी एक पोल पिच, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ आया? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगले इंपॉर्टेंट टर्म्स में से एक टर्म है कॉइल स्पैन और कॉइल पिच। तो कॉइल पिच बेसिकली क्या होती है, किसी कॉइल के जैसे मान लीजिए ये एक टर्न की कॉइल है, इस एक टर्न की एक ये कॉइल साइड हो गई, एक ये कॉइल साइड हो गई। तो इस कॉइल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं कॉइल स्पैन और कॉइल पिच, ठीक है। इसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टीथ यानी कि स्लॉट्स और इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, ठीक है।
नेक्स्ट टर्म है कॉर्डेट कॉयल। कॉर्डेट कॉयल का मतलब है इफ द कॉयल स्पैन और कॉयल पिच इज इक्वल टू द पोल पिच, ठीक है, पोल पिच यानी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अगर कॉयल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल पोल पिच के इक्वल है तो उसको कहेंगे फुल पिच कॉयल, जैसा कि यहाँ बना हुआ है। और अगर लेस देन 1 पोल पिच है कॉयल स्पैन, यह है कॉयल स्पैन, ये इतना कम है, तो ये एंगल अगर अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल है, तो यहाँ पर जो कॉयल स्पैन होगा दैट विल बी 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो अगर लेस देन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है कॉयल स्पैन, तो ऐसी कॉयल को कहते हैं कॉर्डेड कॉयल और शॉर्ट पिच कॉयल। अब न्यूमेरिकल के टर्म्स में, इफ देयर आर एस स्लॉट्स और टीथ और पी पोल्स हैं, देन पोल पिच इज इक्वल टू होगा एस अपॉन पी। अभी पिछले स्लाइड में मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी कि अदर देन इलेक्ट्रिकल डिग्री हम पोल पिच को नंबर ऑफ स्लॉट्स या नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोल पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। यानी कि मान लीजिए 8 स्लॉट्स हैं किसी मशीन में और पी यानी नंबर ऑफ पोल 4 हैं, तो जो पोल पिच होगी, पोल पिच इज इक्वल टू होगी 8 अपॉन 4, दैट इज 2। बात समझ आ गई? अब इस टर्म में अगर शॉर्ट पिच और फुल पिच कॉयल की बात करें, तो इफ कॉयल पिच इज इक्वल टू एस बाई पी है, तो उस कॉयल को कहेंगे फुल पिच कॉयल, और अगर कॉयल पिच एस बाई पी से कम है तो उसको कहेंगे शॉर्ट पिच कॉयल। तो ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड होता है पोल पिच निकालने का एस बाई पी, एस अपॉन पी। न्यूमेरिकल में यही इस्तेमाल होगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के प्लेस पे। तो याद रखिएगा, जब न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे वाइंडिंग डिज़ाइन करने के लिए, तो पोल पिच हम लोग कैलकुलेट करेंगे एस अपॉन पी से। एक बात और यहाँ से आप समझ सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल में कहा गया कि 8 स्लॉट्स हैं, नंबर ऑफ पोल 4 हैं, तो पर पोल कितने स्लॉट्स आएंगे? 2, ठीक है। अगर 2 इंस्टीड ऑफ 4, अगर 2 पोल होता तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने आते पर पोल? 4। तो ये सारे टर्म्स न्यूमेरिकल में यूज होंगे जब हमें वाइंडिंग डिज़ाइन करनी होगी तब। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है? चलिए फिर अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सर एक बार स्लाइड अच्छा, दिखा देते हैं। बताए इसमें कुछ हो गया? ठीक, चलिए। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो क्लोज्ड आर्मेचर वाइंडिंग के लिए पढ़ेंगे, और क्लोज्ड आर्मेचर वाइंडिंग में भी डबल लेयर। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में जब तक आपसे ना कहा जाए कि वाइंडिंग सिंगल लेयर है, तब तक आप यही मान के चलेंगे कि डबल लेयर वाइंडिंग का ही न्यूमेरिकल है। और लिखा होगा डबल लेयर वाइंडिंग, इन केस नहीं लिखा हुआ है तो आप डबल लेयर ही मानेंगे। और वैसे भी अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल 10 में से एक बार भी आया सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, तो वो एक बार भी अगर आएगा तो वो डबल लेयर के लिए आएगा, वो सिंगल लेयर के लिए न्यूमेरिकल बनता भी नहीं है, क्योंकि तो एडवांटेजे इतने ज़्यादा नहीं है सिंगल लेयर के जितने डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज डबल लेयर में ही है, ठीक है। तो जैसा मैं अभी तक आपसे कहता आ रहा हूँ कि दैट क्लोज वाइंडिंग्स आर यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स एंड फॉर एसी कम्यूटेटर मशीन्स,
क्लोज्ड आर्मेचर वाइंडिंग्स आर ऑलवेज डबल लेयर वाइंडिंग्स, ये भी मैंने आपको समझाया। ईच कॉयल इन डबल लेयर वाइंडिंग हैज इट्स वन कॉयल साइड इन टॉप लेयर एंड इट्स अनदर कॉयल साइड इन द बॉटम लेयर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल में देखिए, ये पहली लेयर है और नीचे दूसरी लेयर है, इसी तरह से ऊपर यहाँ पर एक टॉप लेयर है और ये बॉटम लेयर है। आसानी से समझने के लिए सिर्फ दो स्लॉट कंसीडर किए गए और एक कॉयल कंसीडर की गई, जिसमें ये इसकी टॉप जो सॉलिड लाइन से बनी है होती है, इसको हम टॉप कॉयल साइड मान पढ़ते हैं, और जो डॉटेड से बनी होती है उसको बॉटम कॉयल साइड पढ़ते हैं। तो अगर किसी स्लॉट में मान लीजिए कॉयल वन है, तो कॉयल वन की अगर टॉप कॉयल साइड यानी कि सॉलिड वाली जो कॉयल साइड है अगर वो टॉप में है, तो इसकी बॉटम वाली यानी डॉटेड वाली कॉयल साइड जो है वो दूसरे स्लॉट के बॉटम लेयर में जाएगी, टॉप में नहीं बॉटम में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ईच कॉयल इन डबल लेयर वाइंडिंग हैज इट्स वन कॉयल साइड इन टॉप लेयर एंड इट्स अदर कॉयल साइड इन बॉटम लेयर बट इन डिफरेंट स्लॉट, ठीक है। और जनरली इनके बीच में जो गैप होगा, मतलब टॉप और बॉटम लेयर के बीच में जो गैप होगा उसी कॉयल की, वो वन पोल पिच के बराबर होता है। अनटिल अनलेस इट इज स्पेसिफाई, आप यही मान के चलेंगे कि दो जो कॉयल साइड्स हैं वो एक टॉप और एक बॉटम में जो प्लेस होगी अलग अलग स्लॉट्स में, उनके बीच का जो गैप है वो वन पोल पिच होगा, ठीक है। क्योंकि हम फुल पिच कॉयल के बारे में ही जनरली न्यूमेरिकल लगाएंगे, शॉर्ट पिच के लिए आता नहीं है जल्दी न्यूमेरिकल, ठीक है। इन ड्रॉइंग दीज वाइंडिंग्स द टॉप कॉयल साइड इज शोन विद अ सॉलिड लाइन, वही अभी जो मैंने आपको समझाया कि सॉलिड लाइन से दिखाते हैं टॉप वाले को, ठीक है, एंड द बॉटम कॉयल साइड बाय अ डॉटेड लाइन। और जो बॉटम कॉयल साइड होती है वो हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अब मान लीजिए इसी में हमें एक दूसरी कॉयल लगानी है, ये कॉयल टू हमने ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कॉयल साइड हमने एक और सॉरी दूसरी एक कॉयल भी ले ली, तो हम खुद से ही जब बनाएंगे कॉयल तो एक कॉयल को सॉलिड से बनाएंगे, एक को डॉटेड से बनाएंगे, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर इस कॉयल को लगाने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये जो बॉटम वाली लेयर है इसमें हम ये सॉलिड वाली लाइन लगा देंगे, नहीं, हम ये डॉटेड वाली लाइन इसमें लगाएंगे, मतलब ये वाला कंडक्टर इसमें जाएगा और ये जो सॉलिड वाला है वो यहाँ पे आएगा। बात समझ गए आप लोग? नहीं, इसका बिल्कुल रीज़न है, इसका रीज़न है, रीज़न इसका ये है कि अगर हम बता रहे हैं आपको, पहले सुन तो लीजिए, रीज़न इसका इसलिए ऐसा है क्योंकि ये जो आप कॉयल देख रहे हैं इस हिस्से को कहते हैं, एक मिनट, इस वाले पोर्शन को कहते हैं बैक एंड और इस वाले हिस्से को कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जो होता है वो कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ता है, और ये तो बैक एंड है, मतलब ये जो रोटर हो गया तो कम्यूटेटर यहाँ रोटर पे लगा होता है, तो वाइंडिंग इन स्लॉट्स में जाती है और इस तरह से बैक से होके फ्रंट में आती है। तो ये वाला हिस्सा तो कम्यूटेटर के पीछे साइड का हो गया, ये वाला हिस्सा फ्रंट एंड है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट में लगता है। तो अगर एक दोनों कॉयल साइड्स को हम ऊपर रख देंगे तो जब कम्यूटेटर सेगमेंट में अटैच मतलब कनेक्ट करने जाएंगे तो एक दूसरे को ये क्रॉस कर जाएंगे, वायर्स जो हैं कंडक्टर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस वजह से एक कॉयल साइड को टॉप में रखते हैं तो दूसरे कॉयल साइड को बॉटम में रखते हैं, ताकि दो कंडक्टर एक दूसरे को क्रॉस ना कर पाए। बात समझ गए जी? क्रॉस कर ना पाए उससे बचने के लिए ऐसा काम किया जाता है। तो ये तो बात हो गई डबल लेयर वाइंडिंग के बारे में, क्या सिग्निफिकेंस है,
टॉप कॉइल साइड का और बॉटम कॉइल साइड का कैसे प्लेस करते हैं, दो लेयर है तो ये एक तरह का कन्वेंशन है। जैसे मान लीजिए आप जब केवीएल लगाते हैं तो उसमें कन्वेंशन मानते हैं कि करंट क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, आप लूप को क्लॉकवाइज ट्रेस कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस कर रहे हैं। उसी तरह से क्रॉस होने से बचने के लिए दो कंडक्टर्स को यह कन्वेंशन बना लिया गया कि जो टॉप में यानी ऊपर जो कॉइल साइड होगी उसको सॉलिड से बनाएंगे और जो बॉटम में कॉइल साइड होगी नीचे वाली लेयर में होगी उसको डॉटेड से बनाएंगे। ये कन्वेंशन मान लिया गया ताकि जब डायग्राम बनाएं तो पहचानने में भी आसानी हो और वायर क्रॉस करते हुए दिखे ना एक दूसरे को, ठीक है? क्योंकि जो वायर नीचे होगा ऑब्वियसली बात है वो नीचे से जाके कनेक्ट होगा, जो ऊपर होगा ऊपर से आके कनेक्ट होगा, तो क्रॉसिंग से भी बचे रहें और जब आप पेन पे पेन लेके कॉपी पे बनाएं तो आपको अंतर भी समझ में आए। इस वजह से एक को सॉलिड से और एक को डॉट से बनाते हैं, ठीक है? अगली बात, सिंपल क्लोज्ड वाइंडिंग जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, दूसरी होती है सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंप्लेक्स ही होती है, सिंप्लेक्स के अलावा डुप्लेक्स भी होती है वाइंडिंग, डुप्लेक्स भी होती है, ट्रिप्लेक्स भी होती है, बट सिंप्लिसिटी के लिए अभी फिलहाल हम लोग सिंप्लेक्स ही पढ़ रहे हैं। डुप्लेक्स होगी, ये भी डुप्लेक्स होगी। इसमें फ़र्क क्या है सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स में? एक्चुअल में अगर आप डुप्लेक्स पे जाएंगे तो सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी समझने में, इसीलिए समझाया सिंप्लेक्स से ही जाता है डिज़ाइनिंग, डुप्लेक्स से समझाते नहीं, लेकिन फिर भी जिक्र हुआ है तो मैं बता देता हूँ। जैसे एक सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, मान लीजिए ये एक सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग कुछ भी है, तो एक ये हो गई इंडिविजुअल, दूसरी जो होगी वो अलग होगी इंडिविजुअल, मतलब इसका और इसका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जब ये स्लॉट्स में बांधा जाएगा तो ये अलग स्लॉट्स ऑक्यूपाई करेंगे और ये अलग स्लॉट्स ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब जैसे हमने इस वाली वाइंडिंग को पहले बांधना शुरू किया, इसको स्लॉट नंबर 1 में रखा, तो इसके बाद एक स्लॉट छोड़ देंगे, ठीक है? फिर तीसरे स्लॉट में इस वाली वाइंडिंग का दूसरा सिरा आएगा और ये जो स्लॉट हम छोड़ते चले जाएंगे उसमें इसको बांधते चले जाएंगे। तो कुछ इस तरह से किया जाता है जब डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है तब। तो डुप्लेक्स का मतलब है दो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लैप वाइंडिंग होगी मशीन में। ट्रिप्लेक्स का मतलब है कि तीन इंडिपेंडेंट लैप वाइंडिंग होगी मशीन में। इसी तरह से अगर फोर प्लेक्स है तो इसका मतलब हुआ कि चार लैप वाइंडिंग इंडिविजुअल होगी डीसी मशीन के अंदर। यही फर्क है सिंप्लेक्स में और डुप्लेक्स में। तो फिलहाल अभी तो हम लोग सिंप्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग दोनों में डिफरेंस ये है कि इनको हम कम्यूटेटर सेगमेंट्स से कनेक्ट किस मैनर में करते हैं उसी से इनके बीच में डिफरेंस पैदा हो जाता है सिंप्लेक्स लैप और सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में, कि ये कम्यूटेटर सेगमेंट से किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं। अभी हम लोग कम्यूटेटर पढ़ नहीं रहे हैं, इसके बाद जो आर्मेचर वाइंडिंग खत्म होने के बाद जो टॉपिक है वो कम्यूटेशन वाला टॉपिक है, उसे बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, इसमें आप लोगों को समझ में आ गया? तो पहले सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के बारे में समझ लेते हैं। लैप वाइंडिंग में क्या होता है आसान तरह से समझने की कोशिश करते हैं, दिखने में थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट ध्यान से समझते चलिए कि सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए, या इसको सिर्फ लैप वाइंडिंग बोल दीजिए, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग या सिर्फ लैप वाइंडिंग, ईच कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैज टू कॉइल एंड्स कनेक्टेड टू इट, वन कॉइल एंड इज फ्रॉम द टॉप कॉइल साइड ऑफ वन कॉइल एंड अदर
कॉयल एंड इज फ्रॉम द बॉटम कॉयल साइड ऑफ द एडजेसेंट कॉयल। ठीक है, इस तरह से लैप वाइंडिंग बांधी जाती है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया ना पिछले स्लाइड में कि दोनों के बीच में फर्क क्या है कि किस मैनर में वो कम्यूटेटर सेगमेंट में कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए लैप वाइंडिंग का तरीका क्या है, इस डायग्राम में देखिए, ये है कॉयल वन। ठीक है, अब वन और टू दूसरे सेगमेंट को देखिए, दूसरे सेगमेंट में जो दो कॉयल आके कनेक्ट हो रही हैं, ठीक, इसमें कौन कौन सी कनेक्ट हो रही है, ये वाला जो कॉयल टू आप देख रहे हैं, कॉयल टू का सॉलिड लाइन कनेक्ट हो रहा है और कॉयल वन का जो डॉटेड वाला यानी कि बैक एंड है, बॉटम एंड है, वो आके कनेक्ट हो रहा है। तो एक कॉयल का फ्रंट एंड यानी कि टॉप एंड, सॉरी फ्रंट एंड नहीं, टॉप एंड कनेक्ट हो रहा है और दूसरी वाली कॉयल का बॉटम एंड कनेक्ट हो रहा है। अगर इस मैनर में कनेक्टेड है वाइंडिंग कम्यूटेटर सेगमेंट से तो उसको कहते हैं लैप वाइंडिंग। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि हैज़ टू कॉयल एंड्स कनेक्टेड टू इट, मतलब एक ही सेगमेंट में दो कॉयल कनेक्ट होंगी आके, सिंगल सेगमेंट में दो कॉयल कनेक्ट होंगी, एक कॉयल का सॉलिड एंड यानी कि टॉप एंड आके कनेक्ट होगा, टॉप एंड, और दूसरे कॉयल का बॉटम एंड आके कनेक्ट होगा। ठीक है, और एडजेसेंट वाली कॉयल का, जैसे कॉयल वन और कॉयल टू क्या एडजेसेंट कॉयल है, ठीक, तो कॉयल टू का सॉलिड वाला यानी कि टॉप एंड कॉयल साइड है, टॉप कॉयल साइड, और दूसरी सॉरी पहले वाले कॉयल का बॉटम कॉयल साइड आके कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और डिटेल में अभी जब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लोग लगाएंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हो सकता है यहाँ समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो, लेकिन फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लैप वाइंडिंग का मतलब ये हो गया कि एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से दो कॉयल के सिरे आके जुड़ेंगे और जो दोनों कॉयल के सिरे आके जुड़ेंगे वो एडजेसेंट कॉयल होगी। तो एक कॉयल का टॉप कॉयल साइड आएगा तो दूसरी वाली एडजेसेंट कॉयल का बॉटम कॉयल साइड आएगा। अगर एक कॉयल का बॉटम कॉयल साइड आ रहा है तो दूसरे वाले का टॉप आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उस सेगमेंट में दोनों टॉप कॉयल साइड आके जुड़ जाएं या दोनों बॉटम कॉयल साइड आके जुड़ जाएं। जुड़ेंगे तो एक कॉयल का टॉप जुड़ेगा, एक कॉयल का बॉटम जुड़ेगा। कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? आप थर्ड वाले में भी देख सकते हैं, थर्ड वाले में कॉयल जो थर्ड है, देखिए कॉयल थर्ड का टॉप वाला जुड़ा हुआ है और कॉयल टू का बॉटम वाला जुड़ा हुआ है सेगमेंट थ्री से। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैसे ये चीज़, आप इससे पढ़ भी सकते हैं। मतलब नियम यही है, जब आप लैप वाइंडिंग जोड़ेंगे तो एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से कॉयल के दो सिरे आके जुड़ेंगे और दोनों कॉयल एडजेसेंट कॉयल होंगी जिनके दोनों सिरे आ रहे होंगे। अगर एक का टॉप आ रहा है तो दूसरे वाली एडजेसेंट कॉयल का बॉटम आएगा। इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, अगर एक का बॉटम आ रहा है तो फिर दूसरे वाले का टॉप आएगा। ये नियम है, अगर इस तरह से कनेक्शन होता है कम्यूटेटर सेगमेंट में वाइंडिंग का तो उसको कहते हैं लैप। और लैप इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक के ऊपर दूसरा आके बैठ जा रहा है, एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट में एक वाइंडिंग के ऊपर दूसरा आके उसकी गोद में बैठ जा रहा है, इस वजह से उसका नाम पड़ गया लैप वाइंडिंग। आई थिंक कुछ तो आप लोगों को समझ आया होगा, आई होप। ठीक, हाँ सर बोलिए। क्या बेटा समझे नहीं, क्या बोल रहे हो? अच्छा, अगर डिप्लोमा में आता था तो जैसे वहां बताया गया वैसे ही यहाँ पे भी होगा, इसमें कोई अलग नियम नहीं लगेगा। ये मुझे नहीं पता कि डिप्लोमा में आता है होता था कि नहीं, क्योंकि मैं डिप्लोमा पढ़ा नहीं मैंने ना बेटा। अच्छा, तो फिर वैसे ही होगा बेटा। जैसा मैंने कहा कि ये मुझे नहीं पता ना कि डिप्लोमा में ये कोर्स है कि नहीं है,
मैं डिप्लोमा से हूँ नहीं, तो होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप लोगों को आता है पहले से, एक तरह का रिवीजन है। तो आप लोगों ने क्या उसमें डुप्लेक्स के लिए भी पढ़ा है? अच्छा, सिंगल सिंगल बाइंडिंग के लिए पढ़ा था। अच्छा, ठीक। जैसे कि अच्छा, चलिए। अब सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग की बात करिए, तो इसका थोड़ा वेव वाइंडिंग से एकदम अलग है। एक सिंपल टर्म्स में मान लीजिए कि इस तरह का कनेक्शन होता है कि वेव की तरह आगे बढ़ती रहती है, इस वजह से इसका नाम वेव वाइंडिंग दे दिया गया। अब टेक्निकल टर्म्स में आइए कि इन सिंपल वेव वाइंडिंग द टू क्वायल एंड्स ऑफ अ क्वायल आर बेंट इन अपोजिट डायरेक्शंस। लैप वाइंडिंग में क्या था कि उसी डायरेक्शन में दूसरा वाला सिरा भी उसका वापस आ रहा था जिस डायरेक्शन में टॉप साइड था कॉयल का, ठीक है, वापस टॉप की तरफ बॉटम वाला आके नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसमें जुड़ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि जैसे कॉयल वन को देखिए, तो ये कॉयल वन का टॉप एंड है, तो इसका जो बैक एंड है यानी दूसरा सिरा है वो 180 डिग्री अपोजिट है, यानी इसको बेंट कर दिया अपोजिट साइड में, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो दो आप इसके साइड्स देख रहे हैं, इनके बीच में जो कनेक्शन की डिफरेंस होती है वो 360 डिग्री पोल पिच, इलेक्ट्रिकल पोल पिच होता है। 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर होता है, यानी दो पोल पिच के बराबर इनके बीच में दूरी होती है। तो अगर इस तरह से वाइंडिंग कनेक्ट की गई है कम्यूटेटर सेगमेंट में, तो इसको कहते हैं वेव वाइंडिंग। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा, ये कॉयल वन का जो ये सिरा है ये वन सेगमेंट वन में लगा हुआ है, तो इसका जो दूसरा यानी दूसरी कॉइल साइड है डॉटेड वाली वो 11 में है, ठीक। तो 11 माइनस वन कीजिए तो 10 सेगमेंट्स का डिफरेंस है दोनों सिरों के बीच में, या दूसरे टर्म्स में कह लीजिए तो 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री का डिफरेंस है, यानी दो पोल पिच का डिफरेंस है। दोनों टर्म्स में इसको आप बना सकते हैं। वाई सी को कहते हैं कॉम्यूटेटर पिच, वाई सी इज नोन एज कॉम्यूटेटर पिच। इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, फिलहाल यहाँ डायग्राम में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से यहाँ पे आपको और भी टर्म्स दिख रहे होंगे, वाई बी, वाई डब्ल्यू, वाई एफ। वाई बी मतलब बैक पिच होता है, वाई डब्ल्यू यानी वाइंडिंग पिच होता है, और वाई एफ यानी फ्रंट पिच होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई वेव वाइंडिंग की। एग्जैक्टली अपोजिट मैनर है इसका कनेक्शन करने का कम्यूटेटर सेगमेंट से, जैसा कि आपने लैप वाइंडिंग में भी देखा था। इसमें किसी को कुछ अगर क्या डायग्राम क्लियर नहीं है कि जो हमने बताया वो क्लियर नहीं है? देखिए, ऐसा है कि वेव वाइंडिंग में किसी कॉइल के जो दो साइड्स हैं यानी टॉप और बॉटम साइड जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। अरे कनेक्शन तो बेटा हमने अभी पढ़ाया ही नहीं, हम तो अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये वेव सॉरी लैप वाइंडिंग से ये डिफरेंट कैसे है, ठीक है। तो डिफरेंट कैसे है, इसमें क्या करते हैं, जो दो कॉइल साइड्स है ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ दिए जाते हैं, और ये कम्यूटेटर सेगमेंट में कनेक्ट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली कनेक्शन करने का जो डिफरेंस है इनके बीच में वो दो पोल पिच के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने अभी बताया, कनेक्शन तो अभी हमने कनेक्शन डायग्राम के बारे में बात ही नहीं की। जैसे मान लीजिए कि कॉयल वन अगर कम्यूटेटर सेगमेंट वन में कनेक्टेड है, तो इसका जो दूसरा वाला कॉयल साइड है उसको अपोजिट डायरेक्शन में बेंट कर दिया गया, और ये जाके कहाँ जोड़ा, कम्यूटेटर सेगमेंट 11 में। तो इनके बीच में जो डिफरेंस हुआ वो हुआ कम्यूटेटर पिच कितनी हो गई, 11 माइनस 1 दैट इज 10, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है अगर ये पोल पिच के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाएगा तो वो होगा 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ओके।
और अगर आप लैप वाइंडिंग की बात करेंगे तो ये डिफरेंस होगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो दोनों में फर्क क्या है कि जो दो सिरे हैं कॉइल के, सेम कॉइल के, उनके बीच में अगर कम्यूटेटर पिच के टर्म्स में बात करें तो लैप वाइंडिंग में 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है डिफरेंस, और इसमें वेव वाइंडिंग में 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है। कम्यूटेटर पिच के बारे में बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल डिग्री से हटा दें तो 1 डिफरेंस होता है प्लस माइनस 1, इसके लिए लैप वाइंडिंग के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10, ये वेव वाइंडिंग का केस है, क्योंकि वहाँ पर क्या है जो लैप वाइंडिंग है उसमें नेक्स्ट जो एडजेसेंट सेगमेंट होता है उसी में दूसरा सिरा आके कनेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में बेंट कर दिया गया है, बाहर की तरफ निकल गया, मतलब ये इधर है और ये इधर की डायरेक्शन में है, और अगर ये लैप होता तो दूसरा सिरा भी इसी डायरेक्शन में वापस आ जाता। आप कुछ, सर, हाँ सर बताइए बोलिए। इसमें तो ये भी होगा कि सर जो पीछे वाली बाइंडिंग है वो डॉटेड बाइंडिंग है तो एक ही बार हर स्लॉट्स में अलग अलग स्लॉट्स में सेम ही, जैसे अगर नीचे है तो नीचे ही रहेंगे ऐसा आ रहा है, जो बीच वाले में नहीं था उसमें मुझे सेंसर नहीं दिख रहा देखिए, था दोनों में एक चीज कॉमन है, चाहे वो लैप वाइंडिंग हो चाहे वो वेव वाइंडिंग हो, दोनों में एक चीज कॉमन है कि वो कॉमन चीज क्या है कि एक ही सेगमेंट में दो कॉइल के सिरे आएंगे। ठीक है, ये चीज कॉमन है, और एक टॉप वाला होगा तो दूसरा बॉटम वाला होगा, ये भी कॉमन है। ठीक, ये दो चीज कॉमन है कि एक सेगमेंट में दो कॉइल के सिरे आके जुड़ेंगे, और एक टॉप वाला और एक बॉटम वाला है वो भी कॉमन है, बस फर्क इतना है कि एक सिरा से दूसरे सिरे के बीच में जो डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री का होगा। समझ गए? तो जैसे मान लीजिए पोल पिच आप निकालते, भी एग्जांपल हमने लिया था, मान लीजिए 8 स्लॉट्स हैं, 4 पोल है, तो पोल पिच कितनी हो जाएगी, एस बाई पी, दैट इज की 8/4, दैट इज 2। तो अगर लैप वाइंडिंग है तो उसके लिए 2 हो गया, और अगर वेव वाइंडिंग है तो 2 टाइम्स इसको कर लीजिए, 4 हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली फोर, अप्रॉक्सीमेटली फोर। अभी क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं जो टर्म्स रिलेटेड हैं न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे क्लोज्ड वाइंडिंग से रिलेटेड। तो यहाँ एग्जांपल के लिए हमने लैप और वेव वाइंडिंग दोनों डायग्राम को उठा लिया है। अब इसमें सबसे पहला टर्म है बैक पिच। बैक पिच का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको समझाया कि किसी भी कॉयल के दो कॉयल साइड होते हैं, एक होता है टॉप एक होता है बॉटम। तो मान लीजिए कोई कॉयल है, इसका यह टॉप वाला सिरा, ये बॉटम वाला सिरा, तो आर्मेचर के बैक साइड से इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं बैक पिच, इसीलिए नाम बैक पिच रखा गया है, क्योंकि पीछे से मेज़र किया जाता है। फ्रंट एंड जो होता है वो तो कम्यूटेटर में लगा हुआ, ये पीछे वाला सिरा है जहाँ से इसको मेज़र किया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम बैक पिच पड़ गया। क्लियर है ये बात आप लोगों को? जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल के लिए लैप वाइंडिंग ये बना हुआ है, तो इसमें अगर आप ध्यान दीजिए, ये कॉयल वन आप देखिए, कॉयल वन, और इसका ये दूसरा सिरा जो है इसकी नंबरिंग की गई है 8। पहला सिरा कॉयल का इसकी नंबरिंग 1 है, दूसरा सिरा जो है वो 8 है। 8 इसलिए है क्योंकि ये स्लॉट के हिसाब से नंबरिंग की गई है। ठीक है, अब आप लोग क्योंकि डायग्राम देख रहे हो इसलिए इसको थोड़ा समझा देते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये डॉक्टर PS भीमराव से मैंने रेफरेंस लिया है। तो इन केस अगर आप लोगों को कुछ समझना हो और ज़्यादा, तो आप लोग डॉक्टर PS भीमराव के पीछे के पेजेस में जाएंगे, अपेंडिक्स में जाएंगे, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा।
ठीक है। मान लीजिए कि तीन स्लॉट्स हैं, तो हर स्लॉट में, क्योंकि हम लोग डबल लेयर पढ़ रहे हैं, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, तो हर स्लॉट में दो कॉइल साइड आएगी, तो जो टॉप कॉइल साइड है उसको अकॉर्डिंग टू पीएस भीमरा की बुक जो है, ये वहीं का डायग्राम है, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ कि तो जो टॉप कॉइल साइड है उसको ऑड नंबर देते हैं, 1, 3, 5, और जो बॉटम कॉइल साइड्स है उसको हम देते हैं इवन नंबर, तो 1 और 3 के बीच में मिसिंग है 2, 3 और 5 के बीच में मिसिंग है 4। ठीक, ये बात समझ में आई। इसी तरह से आगे एक मिसिंग होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 6। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये कॉइल 1 है, तो कॉइल 1 का जो अगला सिरा है वो यहाँ पर आया, जिसको 8 नंबर दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, बॉटम में, सॉलिड वाला टॉप में, और ये वाला जो सिरा है दूसरा वाला, दो सिरे हैं टॉप और बॉटम, एक को टॉप मानते हैं एक को बॉटम मानते हैं, तो जो सॉलिड वाला है वो टॉप में रहेगा, जो डॉटेड वाला है वो बॉटम में जाएगा। चाहे आप इसको देख लीजिए, कॉइल 1 को, फिर कॉइल 3 को देखिए, सॉलिड वाला टॉप में है और इसका जो अगला सिरा डॉटेड वाला है वो देखिए बॉटम में गया है, जहाँ पे 10 नंबर पड़ा हुआ है। इसी तरह से पांचवा वाला देखिए, इसका अगला सिरा है डॉटेड वाला जो 12 में गया है, तो आप देखिए ऊपर वाले को देखिए ऑड नंबर है 1, 3, 5, और बॉटम वाले को 8, 10, 12, तो ये 1 और 8 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 पोल पिच का। इसी तरह से 3 और 10 के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 1 पोल पिच है, 5 और 12 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 1 पोल पिच है। ठीक, तो अब इस डायग्राम से समझिए, तो 1 और 8 के बीच में जो डिफरेंस है वो होगा बैक पिच, जिसकी वैल्यू है 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। इसी तरह से वेव वाइंडिंग में आ जाइए, तो वेव वाइंडिंग का ये पहली वाली कॉयल है, इसका डॉटेड वाला सिरा देखिए यहाँ है। ठीक, तो ये नंबरिंग क्या है, 10, और यहाँ पर क्या है 1, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। समझ गए आप लोग, यानी जो बैक पिच वो निकलेगी वो दो कॉइल साइड्स के बीच की डिफरेंस होगी, एक ही कॉइल की दो कॉइल साइड्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको बैक पिच कहते हैं, और इसको स्मॉल वाई सफिक्स में बी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वी सफिक्स में बी, वाई सफिक्स में बी है। समझ में आया आप लोगों को? ओके, बैक पिच के बाद नेक्स्ट टर्म है फ्रंट पिच। फ्रंट पिच की डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड्स कनेक्टेड टू द सेम कम्यूटेटर सेगमेंट, इसको डिनोट करते हैं वाई एफ से, यानी जो कॉइल सेम कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी हुई हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको कहते हैं फ्रंट पिच। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए सेगमेंट 2 को देखिए, सेगमेंट 2 में कौन कौन सी कॉइल साइड जुड़ी हुई है, एक ये वाली जुड़ी हुई है और दूसरी ये वाली जुड़ी हुई है। ठीक, इसकी नंबर है 3 और इसका नंबर है 8, तो डिफरेंस कितना हुआ, 8 माइनस 3 दैट इज 5। ठीक, तो सेम कम्यूटेटर सेगमेंट में जो तो कॉइल साइड्स आती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको फ्रंट पिच कहते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पर भी, सेम कम्यूटेटर सेगमेंट में, जैसे यहाँ पर देखिए 10 है इस वाले 11 सेगमेंट में, और ये वाली जो कॉइल साइड इसका नंबर है 17 नंबरिंग इसकी, तो 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7। क्लियर हुआ ये चीज़ आप लोगों को? फ्रंट पिच का मतलब सेम कम्यूटेटर सेगमेंट में जो दो कॉइल साइड्स आएंगी उनके बीच के डिफरेंस को कहते हैं फ्रंट पिच। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय वाई एफ, और ये हमेशा क्या बेटा, बोल।
हाँ हाँ बिल्कुल पता चलेगा, कुछ देर का वेट करिए, न्यूमेरिकल पे जब आएंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए 8 कॉइल्स हैं, ठीक, अब आपने पूछ लिया तो जिक्र कर देते हैं, 8 कॉइल्स हैं तो कॉइल साइड कितनी होगी, कोई बताएगा? सिक्सटीन, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब देखिए इन 16 कॉइल साइड को आप कैसे प्लेस करेंगे, जो टॉप में होगी उसको आप नंबरिंग देंगे ऑड, और जो नीचे आएगी स्लॉट में उसको देंगे इवन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी समझ आया? अरे जो पूछ रहा था स्टूडेंट उसे बेटा कुछ समझ आया कि नहीं? अब देख लो, इसको भी मैच कर लो, देखो 1 3 5, ये देखो टॉप जो साइड है उसका नंबर 1 3 5 है, और इसी 1 का जो डॉटेड वाला सिरा है वो डॉटेड वाला सिरा क्या है, 8 है, 8 देखो यहाँ बॉटम में है, ठीक। इसी तरह से ये 1 का 8 हो गया, 3 का 10 हो गया, तो 5 का क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। ये जो बुक है मैंने नाम बताया डॉक्टर पी एस भीमराव, ये इनका कन्वेंशन है, ज़रूरी नहीं है आप इसी कन्वेंशन को मान के चलें, मैं आपको न्यूमेरिकल दूसरे कन्वेंशन से भी बता सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑड इवन के चक्कर में फंसे रहें। फ्रंट पिच के बाद जो दूसरा टर्म है वो है वाइंडिंग पिच। तो वाइंडिंग पिच की डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव एंड सिमिलर टॉप और बॉटम कॉइल साइड्स एज द वाइंडिंग प्रोग्रेसेस इज कॉल्ड द वाइंडिंग पिच। इसको डिनोटेट करते हैं वाई सफिक्स में डब्ल्यू से, मतलब डिस्टेंस दो कंसेक्यूटिव सिमिलर टॉप या बॉटम कॉइल साइड्स, जैसे ये दो कंसेक्यूटिव कॉइल साइड्स हैं, टॉप है सॉलिड में बनाया तो टॉप है, तो इसका डिफरेंस क्या हुआ, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो ये हो गया वाइंडिंग पिच। यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर ये दो कॉइल साइड्स हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव, इनके बीच में डिफरेंस आप निकालिए, तो डिफरेंस क्या आएगा वाई डब्ल्यू का, एक मिनट, एज द वाइंडिंग प्रोग्रेसेस, तो वाइंडिंग प्रोग्रेसेस ये हुआ वाई बी माइनस वाई एफ, इसमें तो 2 ही आएगा, इसमें जो है ये आपकी कॉयल 1 है राइट, और ये कॉयल 2 है, तो कॉन्जिक्यूटिव कॉयल मतलब कॉयल 1 और कॉयल 2, तो कॉयल 1 और कॉयल 2 के बीच में डिफरेंस देखिए, तो ये कॉयल 2 है, इसकी नंबरिंग है 17 और इसकी नंबरिंग है 1, तो कितना हो गया ये 17 माइनस 1, दैट इज 16, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें और इसमें अंतर क्या आया, देखिए यहाँ पर जो वाई डब्ल्यू है ये वाई डब्ल्यू हो गया वाई बी माइनस वाई एफ, देखिए वाई बी की वैल्यू 7 है, वाई एफ की वैल्यू 5 है, 7 माइनस 5 2, अभी हमने 2 आपको निकाल के बताया, दो कंसेक्यूटिव कॉयल्स के बीच में चाहे वो सॉलिड वाला हो या डॉटेड वाला हो, यानी टॉप वाला या बॉटम वाला, उसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो होगा वाइंडिंग पिच, तो 3 माइनस 1 2 आया, और अगर हम इससे निकाले तो वाई डब्ल्यू वाई बी माइनस वाई एफ होगा इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, ठीक। वेव वाइंडिंग में क्या है कि वेव वाइंडिंग में एक कॉयल ये है तो दूसरी कंसेक्यूटिव कॉयल ये है,
तो अब इसकी नंबरिंग सॉलिड वाले की 17 है और इसके सॉलिड वाले की नंबरिंग 1 है, तो 17 माइनस 1 कितना है, 16। अब यहाँ चेक कीजिए, अगर आप वाई बी और वाई एफ से रिलेशन निकालिए तो वाई बी की वैल्यू यहाँ पर है 9 और वाई एफ की वैल्यू यहाँ 7। ये कैसे आया, अभी पिछले स्लाइड्स में समझाया था मैंने, तो 9 प्लस 7 बराबर 16 आएगा यहाँ पर। तो अगर लैप वाइंडिंग है तो वाइंडिंग पिच बैक पिच और फ्रंट पिच के बीच में रिलेशन होगा, अगर वेव वाइंडिंग है तो ये रिलेशन होगा वाई बी प्लस वाई एफ। ये चीज़ क्लियर हुई? आप लोग मौजूद है ना क्लास में? तो यहाँ तक क्लियर हुआ वाइंडिंग? ठीक है, अगला टर्म यानी लास्ट टर्म है कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच कैसे निकालेंगे, देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्यूटेटर सेगमेंट्स टू विच द टू एंड्स ऑफ वन कॉयल आर ज्वाइंट इज कॉल्ड इज कम्यूटेटर पिच। ठीक है, किसी कॉयल के जो टू एंड्स हैं वो जिस कम्यूटेटर कंसेक्यूटिव कम्यूटेटर सेगमेंट्स में लगे हुए उनके बीच के डिफरेंस को कहते हैं कम्यूटेटर पिच। जैसे लैप वाइंड के केस में देखिए, लैप वाइंडिंग के केस में जो कॉयल वन है उसका जो सॉलिड वाला सिरा है वो कम्यूटेटर वन में गया है और इसका जो डॉट वाला सिरा है वो कम्यूटेटर सेगमेंट टू में गया है, तो ये दोनों का डिफरेंस लीजिए, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो लैप वाइंडिंग के केस में हमेशा आप देखेंगे कि जो कम्यूटेटर पिच है वो 1 आएगी। अब इसको आप प्लस माइनस 1 कह सकते हैं क्योंकि दो तरह से वाइंडिंग की जाती है, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव। तो अगर लैप वाइंडिंग प्रोग्रेसिव की जा रही है तो +1 आएगा कम्यूटेटर पिच, और रेट्रोग्रेसिव की जा रही है तो -1 होगा। रेट्रोग्रेसिव मतलब का मतलब यह है, प्रोग्रेसिव का मतलब यह है कि जो सॉलिड एंड है उससे बैक वाला जो एंड है वो एक कम्यूटेटर सेगमेंट आगे जुड़ेगा, यानी हमेशा आगे वाले कम्यूटेटर सेगमेंट में रहेगा जो डॉटेड वाला सिरा है सॉलिड वाले से। रेट्रोग्रेसिव में क्या है कि जो डॉटेड वाला सिरा है वो सॉलिड वाले से एक सेगमेंट पहले मतलब पीछे की तरफ जुड़ेगा। ठीक, प्रोग्रेसिव में क्या है, आगे की तरफ रहेगा जो डॉटेड वाला सिरा है आगे वाले सेगमेंट्स में जुड़ता जाएगा, और रेट्रोग्रेसिव में क्या है, डॉटेड वाला सिरा पीछे की तरफ जुड़ता जाएगा, मतलब ये जो सॉलिड वाला है इससे पीछे की तरफ जुड़ता जाएगा, तो इसको कहते हैं रेट्रोग्रेसिव। ये प्रिफर नहीं की जाती है, इसलिए नहीं प्रिफर की जाती क्योंकि इसमें खतरा होता है दो कंडक्टर्स के क्रॉस होने का, इसी प्रॉब्लम की वजह से रेट्रोग्रेसिव की जगह आपको ज़्यादातर प्रोग्रेसिव ही मिलेगी, इसलिए न्यूमेरिकल भी आपको प्रोग्रेसिव पे ही मैक्सिमम टाइम मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको जो कम्यूटेटर पिच है वो देखिए, ये वाली कॉयल अगर आप दीजिए कॉयल 1, तो इसका एक सिरा 1 पे है तो दूसरा सिरा 11 पे है, तो कम्यूटेटर पिच कितनी हो गई, 11 माइनस 1 दैट इज 10, ये लिखा हुआ है। समझ आया आप लोगों को कम्यूटेटर पिच का मतलब? तो आप लोगों ने जो टर्म्स पढ़े वो था बैक पिच, फ्रंट पिच, वाइंडिंग पिच एंड लास्ट वॉज कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को कि लैप वाइंडिंग के लिए +-1 होता है, प्रोग्रेसिव के लिए +1, रेट्रोग्रेसिव के लिए -1। इसी तरह से जो वेव वाइंडिंग है इसमें भी प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव होती है, उस पर बाद में आएंगे जब वेव वाइंडिंग पढ़ेंगे तब। तो कम्यूटेटर पिच 1 लेके चलेंगे लैप प्रोग्रेसिव के लिए, बाकी बैक पिच फ्रंट पिच और वाइंडिंग पिच तो आपको मैंने क्लियर कर दिया क्या मतलब है इसका।
अगर आप लोगों के अंदर कैपेसिटी बची हुई है आगे पढ़ने की, तो फिर हम लोग ये न्यूमेरिकल करते हैं, अदरवाइज अगले क्लास में करेंगे, जैसा आप लोग बताएं। नेक्स्ट, अभी सर, अब देखिए, नहीं, ये इस न्यूमेरिकल को सर करने कर में सकते हैं 5 मिनट नहीं लगेंगे, कम से कम आधे घंटे या 45 मिनट लगेंगे। सर, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना सर। हाँ, ये भी बात है, लेकिन ये है कि हम आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड कर ही देंगे, तो अगर मान लीजिए आप लोग को कंसेप्ट याद रखना तो एक बार देख लीजिएगा, अगर आप लोग 45 मिनट और झेल सकते हैं तो हम लोग अभी इसको कर सकते हैं, अदरवाइज कल कर सकते हैं, जैसे मेजॉरिटी कहे। आप लोग मैसेज कर दीजिए, मेजॉरिटी जो कहेगी मानेंगे। खत्म होने वाला है।